हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में खास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ इनकी प्राइस लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्राइस को ले लेता हूँ सिलेक्शन में, ये ले लिया। ये इतनी रेंज सिलेक्शन में लेकर के हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। ये आ गया फॉर्मेट पे, यहाँ ये देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आ जाइए आप सीधा इंडियन रुपीज पर, इसे हम इंडियन रुपीज बना देते हैं। ठीक है, अब ये बना दिया हमने तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रिकॉर्ड्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रुपीज लिखा हुआ है, यानी प्राइस लिखा हुआ है और ये यूनिट है और इसके हिसाब से टोटल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई कोई चीज़ जो है प्रोडक्ट दोबारा रिपीट हो गया है। अब देखिए ना, ये कीबोर्ड है कहीं रिपीट हुआ है, देखिए ये सेम चीज़ जो है दोबारा से डाल दी गई है। अब ये एक छोटी रेंज है, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी रेंज हो और उस बड़ी रेंज से अगर आपको इसको हटाना हो तो आप हटाएंगे कैसे, तो तरीके कई हो सकते हैं। एक तरीका फॉर्मूला लगा करके है, और वो कौन सा फॉर्मूला है आइए आपको बताता हूँ। यहाँ सीट टू पे चलते हैं और यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लाइक यूनिक, इसको हमें शीट नंबर टू पे लेके आना है। तो यहां पर टाइप किया मैंने यूनिक, जैसे यूनिक टाइप करेंगे और जितना डेटा आपको सिलेक्शन में लेना हो वो पूरा ही डेटा आप सिलेक्शन में ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमको ये पूरा डेटा चाहिए, तो ये पूरा डेटा सिलेक्शन में ले लेते हैं, हो गया। बस इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और काम बहुत आसान हो गया है। देखिए यूनिक वैल्यू इसने फिल्टर करके आपको दे दिया है, तो यहां पर आपको एक भी रिपीटेड वैल्यू आपको नहीं दिखेगी। देखिए यहां पर कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिक फॉर्मूले की मदद से गूगल शीट में इसको निकाल के ला सकते हैं, बहुत आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।